राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज है। गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी वाजिब दाम, राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहु मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट ने हड़कंप की स्थिति निर्मित कर दी। दरअसल कांग्रेस महासचिव ने रविवार को एक ट्वीट करते हुए लिखा कि दमोह जिले के प्रसिद्ध जैन तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता शिवलिंग लेकर बैठे हैं और उत्पात कर रहे हैं, जिसका संज्ञान मुख्यमंत्री ले। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट के बाद हड़कंप मच गया और प्रशासनिक हलकों के साथ राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई। रविवार दोपहर बाद से वर्ग संघर्ष जैसी बातचीतें इलाके में होने लगी, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो दिग्विजय सिंह का ट्वीट गलत निकला। जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी कुंडलपुर पहुंचे, जो स्थिति सामान्य थी, कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं थी जो ट्वीट में लिखी गई थी। देर शाम हिंदू सुबारी संगठनों ने जैन समाज के लोगों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया कि बजरंग दल या किसी भी हिंदू संगठन के लोगों ने कुंडलपुर में ऐसा कुछ नहीं किया, न ही जैन समाज और हिंदू धर्म के लोगों के बीच कोई विवाद है। इतना ही नहीं, दमोह के एसपी ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर कमेंट्स करते हुए साफ किया कि लिखी गई जानकारी भ्रामक और गलत है। कांग्रेस महासचिव के ट्वीट के बाद हिंदू संगठन हमलावर हैं और हिंदू संगठनों ने इस कृत्य के लिए दिग्विजय सिंह से माफ़ी की मांग की है। वहीं भाजपा को एक बार फिर दिग्विजय सिंह पर हमला करने का मौका मिल गया है। दमोह जिला भाजपा अध्यक्ष प्रीतम लोधी ने उन्हें बंटाधार बताते हुए कहा कि सूबे में दिग्विजय सिंह की कोई चाल नहीं चल सकती और ऐसा करके वो माहौल बिगाड़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा एक ट्वीट किया गया है, जिसमें बजरंग दल को लेकर और हमारे जैन समाज के तीर्थ क्षेत्र, धार्मिक तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर को लेकर कुछ शब्द का उपयोग किया गया, जिसमें उन्होंने बजरंग दल को उत्पादी संगठन बताया और पिंडी रखकर रात भर उत्पाद करने का विषय बताया। तो बजरंग दल ने ना कल किसी प्रकार का वहाँ कोई कृत्य किया है, और कुंडलपुर कमेटी के सदस्यों से भी हमारी फ़ोन पर बात हुई, कुंडलपुर क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई घटना कहीं नहीं हुई। उसके बाद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, पूरे देश में जैन समाज की भावनाओं को आहत किया, हिंदू समाज की भावनाओं को आहत किया। हम आज ज्ञापन के माध्यम से माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी मांग करने जा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह पर FIR दर्ज हो, साथ ही इस तरीके के जो भी भ्रमक फैलाएँ उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, क्योंकि वर्तमान में चुनावी माहौल है, ये सब आग कहीं ना कहीं दमोह से पैदा की जा रही है। मैं आपको पुनः एक बार कहता हूँ, ये जो आग पैदा हो रही है समाज को लड़ाने की, ये दमोह से पैदा की जा रही है। इसलिए कहीं ना कहीं इस चीज़ को भैया दबाया जाए, किसी प्रकार से कहीं भी हमारे समाज में तोड़फोड़ ना की जाए। हम समाज को एक करने के लिए आए हैं, ना कि समाज को तोड़ने के लिए। इसलिए सभी राजनीतिक दलों से हमारा आग्रह है कि किसी भी प्रकार से समाज में आप उत्पत्ति पैदा मत कीजिए, जिससे समाज में कहीं विद्रोह पैदा हो। जैसा कि मैंने अभी प्रेस वार्ता में भी जानकारी दी है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह जी द्वारा कुंडलपुर मंदिर में कुछ उत्पात को लेकर मिथ्या प्रचार किया गया और बजरंग दल को पद्री तत्व बता करके कि वह शंकर जी की पिंडी रखकर पूरी रात बजरंगियों द्वारा उत्पात मचाया गया। इस तरह का कोई कार्य कृत्य वहां हुआ नहीं है, इससे स्पष्ट समझ में आता है। मैं सभी राजनीतिक दल के नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि अभी चुनाव सामने हैं, कृपया हिंदू समाज को इस तरह से बांट
बांटने का प्रयास न करें इस तरह के कृत्यों से। आप बड़े नेता हैं, हमसे उनसे बार बार यही आग्रह करेंगे कि वो इस कृत्य के लिए माफ़ी मांगें। यदि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम सब हिंदू समाज मिलकर के उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन से मांग करेंगे। देखिए, मिस्टर बंटा गड्ढार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कई बार उनको संबोधित करते हैं, तो निश्चित ही इनका काम इस मध्य प्रदेश का सौहार्द कैसे बिगड़े, इस मध्य प्रदेश का माहौल कैसे बिगड़े, इस मध्य प्रदेश में दंगा फसाद कैसे हो, ये करने का प्रयास हमेशा दिग्विजय सिंह जी के द्वारा किया जाता है। और इससे उनको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, निश्चित ही इस मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी आपकी कोई भी चाल चलने वाली नहीं है। इस मध्य प्रदेश की जनता आपको समझ चुकी है, आपको जनता यहाँ की नकार चुकी है, इसलिए आप हमारे दमोह जिले जैसे शांतिपूर्ण जिले में इस तरीके की हरकत करने से आप बाज आ जाएं और यहाँ आपकी कोई भी दाल गलने वाली नहीं है। यहाँ हमारे दमोह में शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण सभी वातावरण है, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हो रही है और आपके उकसाने से भी घटित नहीं होगी। इसलिए दिग्विजय सिंह जी आप अपनी इन हरकतों से बाज आएं। देखिए, इस संबंध में हमारे एसटीओपी हटा और एसटीएम हटा ने कुंडलपुर जाकर उसने बातचीत की, ऐसी कोई वहां पे बात नहीं पाई गई, सभी पक्षों से बात की, किसी पक्षों के बीच भी ऐसा कोई भेदभाव नहीं है और सभी कुछ से जानकारी थी वो तथ्यात्मक नहीं थी, भ्रामक रूप से थी, उसको तो फैक्ट्स उसके सही नहीं, फैक्ट सही नहीं है उसके। हमारे एसटीएम साहब और एसटीओपी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा ऐसा कोई बात घटना नहीं हुई वहाँ पर, यही मिली। दिग्विजय सिंह के द्वारा ट्वीट किया गया था, देखिए ये बात अलग है। इस संबंध में जो हमारे जो प्रशासनिक रिपोर्ट आई है, प्रशासनिक अधिकारी जाँच की है, उसके हम लोग ने उसमें वेरीफाई कराया है, उनमें कहीं कोई ऐसा तथ्य नहीं पाया। हमारे दो अधिकारी गए थे एसटीएम और एसटीओपी और उन्होंने व्यवस्थित रूप से वहाँ गहन जांच पड़ताल की, एज पर रूल्स जो होती है, जो लॉ में प्रिस्क्राइब है, एसटीएम और एसटीओपी लोग इस टाइप की घटनाओं में ज्वाइन करते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पाया।